हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डक डक गो के बारे में बातें करूंगा। तो दोस्तों, बेसिकली ये एक सर्च इंजन है, बट सर्च इंजन तो गूगल भी है और इसके कंपटीशन में कोई नहीं है, चाहे बिंग हो, याहू हो, तो ये डक डक गो कौन है? तो दोस्तों, डक डक गो वैसे तो एक नॉर्मल सर्च इंजन ही है, पर इसका एक अलग मोटो है, द सर्च इंजन दैट डजंट ट्रैक यू। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि गूगल इंटरनेट पर एडसेंस के जरिए हर जगह एड्स दिखाता है, और आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपने किसी वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट को देखा या गूगल पे उस चीज़ को सर्च किया, तो आपको हर जगह उसी चीज़ की एड्स नज़र आने लगती है। इसे कहते हैं पर्सनलाइज्ड एड। थर्ड पार्टी कुकीज़ और आपके सर्च हिस्ट्री से आपके इंटरेस्ट को गूगल एडवर्टाइजमेंट कंपनी को सेल करती है, फिर एडवर्टाइज़र इंटरेस्टेड लोगों को ही एड्स दिखाती है। ये ट्रैकिंग है आपकी। आपको शायद ये पसंद ना आता हो कि हर वक्त कोई आपको ट्रैक करता रहे, वैसे गूगल या फेसबुक आपके इंटरेस्ट को ही एडवर्टाइज़र को सेल करती है, आपकी पर्सनल डेटा नहीं, और आपको फुल कंट्रोल भी देती है ट्रैकिंग बंद करने के लिए। बट नॉर्मली गूगल हर वक्त आपको ट्रैक करती है, चाहे आप साइन इन हो या साइन आउट हो, नॉर्मल मोड में हो या इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड, हर जगह। पर डकडकगो ऐसा कुछ नहीं करती है, ये आपको ट्रैक नहीं करती, आपकी इंटरेस्ट को एडवर्टाइज़र को सेल नहीं करती। आप इस पर सर्च करें और फुल प्राइवेसी भी रहेगी। ये बस आपके सर्च के अनुसार एड्स से और एफिलिएट लिंक से मनी अर्न करती है। इसकी प्राइवेसी पॉलिसी के कारण कई ब्राउजर्स, यहाँ तक कि एप्पल ने अपने ब्राउज़र सफारी में डकडकगो को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने का ऑप्शन दिया। टॉर में तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है, क्योंकि टॉर ब्राउज़र में खुद प्राइवेसी नंबर वन प्रायोरिटी है, और टॉर में गूगल ठीक से काम भी नहीं करती, बार बार कैप्चा फिल करना पड़ता है। तो यहाँ डकडकगो एक ही ऑप्शन है, और इसीलिए भी डकडकगो पिछले 4-5 सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है। और इसकी सर्च कैपेबिलिटी की बात करें तो ये सर्च में भी काफ़ी अच्छी है। वैसे गूगल का मुकाबला करना किसी के लिए भी मुश्किल है, पर डकडकगो कुछ ऐसा भी कर सकती है जो गूगल नहीं कर सकती। जैसे मैंने डकडकगो पे लिखा ट्विटर और अपने ट्विटर का यूज़र नेम लिखा, तो मेरे अकाउंट का इन्फो दिखने लगा, बट गूगल में मैंने जब सेम चीज़ सर्च की तो कुछ भी नहीं निकला। उसी तरह डकडकगो में एक और फीचर है, बैंग फीचर। इसमें कई सारे साइट्स के लिए डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन के लिए है एक्सक्लेमेशन मार्क और ए, उसके बाद मैंने लिखा OnePlus 5, तो डकडकगो ने मुझे अमेज़ॉन के उस पेज तक डायरेक्टली पहुंचा दिया। तो अच्छी सर्च इंजन है, अगर प्राइवेसी आपकी टॉप प्रायोरिटी है, आप नहीं चाहते कि आप किसी प्रोडक्ट को देखें और फिर गूगल उसी चीज़ की ऐड को लेकर आपके पीछे पड़ जाए, तो आप डकडकगो ट्राई कर सकते हैं। और पसंद नहीं आए तो फिर गूगल तो है ही, और गूगल में भी आप ट्रैकिंग ऑफ कर सकते हैं कुछ सेटिंग्स को चेंज करके। उसके बारे में आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रह सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।